हाय माय लवली फूडीज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट और जालीदार इडली। एंड क्या आप गेस कर सकते हैं हम किससे बनाने वाले हैं? इसे हम बनाएंगे पोहा के साथ। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बनेगी और वीडियो एंड तक के देखिएगा क्योंकि मैं आपको अलग तरीका भी बताने वाली हूँ उसको बनाने का और प्लेटिंग का। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ी सी छन्नी। इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पोहा। तो पोहा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जो कि रेगुलर पोहा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मोटा वाला पोहा। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप। छन्नी में मैंने इसलिए डाला है ताकि हम इसमें ही इसको अच्छे से धो सकें। तो इसको पानी के नीचे अच्छे से धो लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, ये अच्छे से भीग जाएगी और इसको ऐसे भिगा के इसको साइड में रख देंगे बस 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है ब्लेंडर। तो 5 मिनट हो गए पोहा को सोक होते हुए, ये देखिए एकदम नरम हो गया। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। आप चाहे तो इसको 2 बैचेस में भी कर सकते हैं अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपके मिक्सी के हिसाब से। और इसके साथ ही मैं यूज कर रही हूँ 1/2 कप दही और इन दोनों चीजों को अच्छे से पिस लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं पिसने के लिए। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा बैटर तैयार हो गया। मैंने इसको पीसने के लिए सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी यूज़ किया। ये देखिए एकदम ही गाढ़ा है। बस ये कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप सूजी। तो मैं बारीक वाली सूजी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोहा के साथ। तो जो फ्रेंड्स पोहा और सूजी का जो कॉम्बिनेशन की इडली बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो पहले सूजी को इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप और फिर इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको विस्क भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी गांठे नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एकदम ऐसा गाढ़ा घोल हमें चाहिए। अगर आपको लगे तो थोड़ा ज्यादा पानी भी आप डाल सकते हैं। तो बस इसको अभी ढक के साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले छोटे से ब्लेंडर में ले लेंगे 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, 2 टेबलस्पून मूंगफली। उसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून दही। बस इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जैसे कि भीग जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 नारियल विदाउट द स्किन। आप चाहें तो इसके स्किन के साथ भी डाल सकते हैं या फिर डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 कली लहसुन की और थोड़े से करी पत्ता। आप चाहें तो पुदीना के पत्ता भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा नमक और 3 से 4 टेबलस्पून पानी इसको पीसने के लिए और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए चटनी अच्छे से ब्लेंड हो गई, एकदम स्मूथ हो गई, बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बोल में और इसका बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का बनाने के लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। जैसे ही राई क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगी इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सी हींग और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्चें और थोड़े से करी पत्ता। इसको फ्राई होने देंगे 30 सेकेंड के लिए और इस तड़के को बढ़िया से तड़के को डाल देंगे चटनी के ऊपर और मिक्स कर लेंगे। देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान था, बढ़िया से हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी भी तैयार हो गई है। तो चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर को रेस्ट होते हुए करीबन 20 से 30 मिनट ऑलमोस्ट हो गए। चलिए चेक करते हैं, देखिए एकदम गाढ़ा हो गया। अगर आपको लगे ना फ्रेंड्स आपका मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी आप और डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला था वो इसलिए क्योंकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है, तो इसलिए हम नमक सबसे लास्ट में डालेंगे। पर उसके पहले हम थोड़ी सी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी बड़ी सी कढ़ाई, कुकर, जो भी आप रख सकते हैं, नीचे स्टैंड रख दीजिए, ऊपर प्लेट रख दीजिए और इसको ढक के पहले से बॉईल होने के लिए रख देंगे और उसके बाद ही हम इडली का बैटर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये छोटी वाली कटोरिया ली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं प्लेट इडली या फिर इसको टार्ट इडली भी कहा जाता है, जिसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे थोड़े से तेल के साथ। तो फ्रेंड्स ये सारी तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी है अपने लास्ट इंग्रेडिएंट डालने से पहले। तो इसको कर लिया हमने, साइड में रख देंगे। अब आते बैटर के ऊपर, तो इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून इनो।
तो यहाँ पे मैं लेमन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो प्लेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक टीस्पून यूज़ करना है, यानी कि ये छोटा वाला जो होता है ना, एक स्मॉल सैशे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। जैसे आप मिक्स करेंगे ना, मिक्सचर एकदम फ्रॉथी होता जाएगा। इसको जल्दी जल्दी बस 30 सेकंड्स के लिए मिक्स कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, वरना उसकी जो हवा है ना वो कम हो जाएगी। और इसको तुरंत ही हम डाल देंगे इन प्लेट्स के ऊपर। सारे प्लेट्स फिलअप कर लीजिए इसके साथ। आप चाहे तो थोड़ी सी स्पेस भी रख सकते हैं, क्योंकि ना काफी फूल जाती है। और बस अब इनको प्लेट के ऊपर ऐसे रख देंगे स्टीम होने के लिए। ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स, ये पॉट एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। और जो लास्ट वाली कटोरी है ना, मैं इसके ऊपर ही प्लेस कर रही हूँ। और इसको ढक के इसको स्टीम होने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ क्या कर रही हूँ पता है, आज बच्चों के लिए यहाँ पे मेरे पास ये पॉप्सिकल मोल्ड्स है, बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, ये सिलिकॉन वाले, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगी। इसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ। और बाकी का जो बचा हुआ बैटर है ना फ्रेंड्स, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। फिर नीचे से धीरे से ऐसे स्टिक डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी इडली ऑन स्टिक भी रेडी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा लेवल आउट कर लीजिए और फिर इसको भी स्टीम होने के लिए रख देंगे करीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए पहला वाला चेक कर लेते हैं। मैं फोक डाल के देख रही हूँ तो हल्की सी कसर बाकी है, तो इसको ढक के थोड़ी देर और स्टीम होने देंगे करीबन 4 से 5 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, बस मेरे दोनों बैच तैयार हो गए, इनको मैंने निकाल दी। ये देखिए कटोरी वाली, ये भी तैयार हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा डेंट आ गया क्योंकि ऊपर मैंने कटोरी रखा था तो। और ये जो हमारे पॉप्सिकल्स वाले, वो भी रेडी हो गए। बस अब इनको डीमोल्ड करना है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। तो सबसे पहले कटोरी वाली निकाल देंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल गई, सुपर ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और एकदम मुलायम है। इसी तरह से सारी इडलीस निकाल देंगे। और ये जो मैं पॉप्स वाली दिखा रही हूँ ना आपको, उसको भी ऐसे डीमोल्ड कर देंगे नीचे से पुश करके। फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसान रेसिपी। आप चाहे तो अपने बच्चों के लिए पॉप्स बना सकते हैं, या फिर इडली में बना सकते हैं, इडली मोल्ड्स में बना सकते हैं, या फिर कटोरी, जैसे आपकी मर्जी। और इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म सांभर और चटनी जो कि हमने अभी बनाई थी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए तो लाइक ज़रूर बनता है, तो कोशिश करके इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक्स तक के ज़रूर पहुंचाइएगा। ये देखिए हमारी इडली, इसके ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म सांभर, थोड़ी सी चटनी, और मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर अंदर से। देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और इसी तरह से आप जो स्टिक वाली इडली भी ना बच्चों को दे सकते हैं ऐसे एंजॉय करने के लिए। एकदम कुल्फी जैसे लग रही है ना। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।